राजधानी रायपुर में राजीव युवा मितान पर सियासत जोरों पर है, इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। मंत्री जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि राजीव युवा मितान में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए राजीव युवा मितान को बंद करना पड़ा। वहीं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जायसवाल ने कहा कि भाजपा सतत रूप से बैठक करती है, साथ ही केंद्रीय कमेटियों का भाजपा की बैठक होती रहती हैं। इसी कड़ी में दवाइयों की खरीदी बिक्री पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि पिछली सरकारों को करोड़ों की दवाइयां खराब हो रही हैं, उसका उपयोग जब तक नहीं हो जाता तब तक नई दवाइयों की खरीदी नहीं होगी। देखिए, राजीव युवा मितान क्लब में जो नौजवानों को उनके हिस्से का पैसा जाना चाहिए था, जो वहाँ सुविधाएं जाना चाहिए था, वो सही हितग्राहियों को न मिलकर, वहाँ के युवाओं को न मिलकर, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजीव युवा मितान के माध्यम से लाभ दिलाते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग और भूपेश बघेल जी काफ़ी चिंतित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सतत रूप से अपनी बैठकें करती है, पोलिंग बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हमारी बैठकें चलती रहती हैं। हम तो सने सने कछुए की तरह चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस जब चुनाव आती है तो खरगोश की तरह दौड़ने लगती है, तो इनकी बैठकें जब जब चुनाव आता है तो 15 दिन 10 दिन पहले चालू करते हैं और उसी में इनका पूरा तैयारी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर आधारित पार्टी है और नीचे में पोलिंग बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के और केंद्र स्तर तक के कमेटियों में हमारी तैयारियां चलती हैं और हमारी तैयारी पूरी है।